नमो बुद्धाय। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं डीसी हसीनो। साथियों, आज माननीय कांशीराम जी की जयंती है और उस अवसर पर आज हमारे लखनऊ के माननीय कांशीराम जी स्मारक स्थल पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं लोग कहां से आए हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश बौद्ध है, मैं साकेत अयोध्या से हूँ। सर, आप लोग अयोध्या से आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का ज्यादा महत्व चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग माननीय कांशीराम जी के बहुजन समाज का जो उन्होंने संघर्ष किया उसी को लेकर के आए होंगे। आज यहाँ माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन है और ऐसे मसीहा का जन्मदिन है कि जो सोती हुई कौम को राजनीतिक चाबी, जो सत्ता का हथियार है, जो सत्ता का पावर है, उसको कैसे चलाना है, हाथ में कैसे लेना है, माननीय साहब ने वो रास्ता दिखाया जो बाबा साहब के विचारों को, जो सोच थी, जो सोचे थे बाबा साहब कि हम अपने समाज को, दबे कुचले समाज को हुक्मरान बनाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, जो मिशन उनके निर्माण से रुक गया था, माननीय साहब ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है। और रही बात राम की, तो वो एक ऐसा पात्र है कि यहाँ पे जो बहुजन समाज जो हो, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको चंद चालाक लोगों ने धोखे से उनका राजपाट हथिया लिया, जो कि यहाँ के लोग ईमानदार और बहुत ही शालीन व्यक्ति थे, उनको थोड़ा सा रहने का छत किया दिया, उन लोगों ने पीठ में छुरा घोंप के यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ऐसी विचारधारा बहुत दिन तक नहीं टिकेगी, जो 21वीं सदी है बाबा साहब की, वो आने वाले वक्त में फिर भारत अशोक सम्राट का होगा, बाबा साहब का होगा, माननीय साहब का सपना का होगा। बाबा साहब के बाद माननीय साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश में बहुजन समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने 4 बार इस प्रदेश में, भारत के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार भी बनवाई। उसके बाद अब हम अगर देखें तो आज हमारा एक विधायक बचा हुआ है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके बाद कौन दिखाई दे रहा है जो इस कारवां को आगे ले जाएगा? इस कारवां को आगे ले जाने के लिए अभी तो लोगों के अंदर वो बात नहीं दिख रही है, चाहे जो हो, जो बहन जी ने यहाँ तक जो कारवां को लाए हैं माननीय साहब के बाद, अगर कोई क्षमता दिखता है तो बहन जी के अंदर ही है। बाकी लोग तो जैसे संघ ने कांग्रेस के द्वारा और अन्य लोगों को पैदा करके बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि माननीय साहब ने बहुजन मूवमेंट चालू करके 85% के लोगों में, जो कुछ ऐसे लोगों थे जिनको जगाया, जिनके अंदर समझ थी कि हमें हुकूमत तक पहुंचना है, और एकत्रित करके पूरे देश में उन्हें ऐसी मूवमेंट चलाई कि सारे लोग धाराशाही हो गए। उसी मूवमेंट को रोकने के लिए बहुत से लोगों को पैदा किया गया, उसमें लोग लगे हुए हैं। मूवमेंट हमारा इसीलिए कमजोर हुआ, जातियों में बांटा गया, उपजातियों में बांटा गया, इसलिए आज हम परेशान हैं। लेकिन आने वाला वक्त फिर से संगठित होंगे और फिर आगे एक होकर लड़ेंगे। लोग को आगे नेतृत्वकर्ता कौन होगा, अभी तो हमारे नजर में बहन जी हैं, उसके बाद बहन जी के ना रहने के बाद जो होगा फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी पूरे देश में बहन जी के क्षमता के बराबर कोई नहीं है। आज अगर हम देखें तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। हिंदुत्व के नाम पर बहुजन समाज के बहुत सारी जातियां जो हैं वो आज की सरकार से जुड़ी हुई हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही हैं माननीय योगी जी की। तो आप इन बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए क्या करेंगे? बहुजन समाज हमारा एकत्रित है, कहीं ना कहीं गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये और सिर्फ बेईमानी से है। ईवीएम जिस दिन बंद हो जाएगा उनका वोट और उनका विधायक पैदा होना बंद हो जाएगा, बैलेट से करा ले अगर इनके अंदर क्षमता है, क्योंकि जो भी आज के समय में देख रहे हैं जो सरकार चल रही है मौजूदा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये दमनकारी नीतियों पर आधारित है, क्योंकि आज के समय में जैसे ईवीएम का मुद्दा है उसको जैसे लोग उठाएंगे या रोड पे प्रदर्शन करेंगे, ये लोग क्या करते हैं, बुलडोजर लोकर के गरीब आदमी को जो लीडरशिप करेगा उसका घर गिराने का कार्य करते हैं। इस लोग पीछे हैं, मुकदमे फंसाने का काम करते हैं, नहीं ये बचने वाले नहीं है। ईवीएम के मुद्दे पर अगर आप बात करते हैं तो दूसरे प्रदेशों में अगर देखा जाए तो वहाँ बीजेपी हार भी रही है, तो इस तरह कैसे आप कह सकते हैं कि ईवीएम खराब है? वो कम संख्या में उनको हराते हैं, जहाँ उनको जितनी जरूरत है उतनी वो चाबी अपना सेट करे रहते हैं, बाकी सब दिखावा है और कुछ है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए हिंदुत्व के नाम पर तो बहुत सारी जातियां बीजेपी को वोट करती हैं और बहुजन समाज के भी बहुत सारे लोग वोट करते हैं, इसलिए वो सत्ता में है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो लोग उनके साथ नहीं है? नहीं, दिख रहा है ना कि हमें लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो ट्रांसफर हो रहा, चूंकि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है मीडिया के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, कि हिंदू बना मुस्लिम और मुस्लिम बना हिंदू, जो कि ऐसा है नहीं।
अगर आप लोगों के बीच में जाएं तो उसमें वहां पर कुछ और दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ टीवी के द्वारा ये परोसा जाता है और इन मुद्दों को उखाड़ा जाता है और बढ़ाया जाता है। और हमें तो लगता है देश में अगर डाइवर्जन का कोई कार्य किया है तो 2014 के पहले जब अन्ना हजारे एन टीम लोगों ने जब बैठे थे लोकपाल बिल के लिए, उस समय बहुजन समाज के काफी राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, उनको बदनाम करके, उनको चोर बेईमान साबित करके आज ऐसी व्यवस्था शासन को सरकार में लाने का काम कुछ बेईमान लोगों ने किया था। आज वो गायब है, न उनको भ्रष्टाचार दिख रहा है, न उनको लोकपाल बिल चाहिए। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, आज वो लोग सत्ता में है। लोगों का कहना है कि बहन जी तो कहीं दिखाई ही नहीं देती हैं। बहन जी अपने लोगों को बचाती हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को मुकदमे बहुत फंसाया जाता है और हमारा समाज बहुत कमजोर, अभी बहुत पीछे है। क्योंकि इनके हिसाब से देखा जाए तो बहुत पीछे है हमारा समाज, क्योंकि अभी उसके पास बहुत कुछ है नहीं। भी एक पीढ़ी का इधर जो बन रहा है, इसी के इस एक पीढ़ी का जो व्यवस्था उसके पास है, बाकी कुछ है नहीं। उसी चीजों को देखकर बहन जी रोड पे आने की भी रोकती है। 2024 का चुनाव आ रहा है और पिछले चुनाव में अगर हम देखें लोकसभा चुनाव में तो सपा और बसपा दोनों ने अलायंस किया था, उसके आधार पर बसपा की 10 सीटें आई थी। तो इस बार क्या बसपा को अलायंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम तो चाहेंगे कि अलायंस नहीं करना चाहिए और अपना अपना स्वयं लड़ाई चुनाव, चूंकि जितने भी अलायंस करेंगे वो ईवीएम का खेल बहुत बड़ा है, वो सेटिंग करेंगे। उसके बाद दिखाएंगे कि अलायंस करने के बाद भी ये लोग बेईमान पार्टियां हैं जिनको जनता ने वोट नहीं किया। वोटों के बंटवारे अगर हो जाएंगे तो किस तरह आप जीतेंगे? पता नहीं, बंटवारे तो नहीं होंगे, सीटें भी बढ़ेंगी हमारे लोगों के, क्योंकि उनको फिर सबको जो और भी दल चुनाव लड़ेंगे उनको ईवीएम में ज्यादा खेल नहीं करना होगा, थोड़ा थोड़ा सबको देंगे। आप अयोध्या से आए हैं तो आप इस पूरे प्रदेश के जो बहुजन युवा हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म जात मजहब से ऊपर उठकर पहले तो हमें समता मूला समाज की बात करना चाहिए। करुणा दया और मैत्री का भावना से रहकर भारत में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक भारत का रहने वाला इंसान है। उसके बाद हमारे धर्म मजहब जाते हैं, उसके ऊपर उठ के हमें सोचना होगा, तभी देश का विकास होगा। शिक्षा के बारे में सोचना होगा, मंदिर मस्जिद से कुछ होने वाले नहीं है। हमारा अगर विकास होगा, हम विश्व में अगर अपना स्थान बनाएंगे तो शिक्षा के माध्यम से बनाएंगे, उससे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, इन्होंने अपने बहुत बेबाकी से जनता के लिए, समाज के लिए अपनी बातें रखी। नमो बुद्धाय, जय भीम।